ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड द लाल स्ट्रीट। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों ही काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, बट बड़ा सवाल है कि यार ये रिकवरी हुई क्यों? इसमें बड़ा कारण था जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ी खबर आने वाली है रात में, वो आ चुकी थी। यूएस की फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है, कौन है, जर्मी पॉल साहब, उनके बयान क्या ही शानदार बयान आए थे। उन्होंने बताया कि इस साल इंटरेस्ट रेट लगभग 3 बार कटौती होगी, और ये चीज़ बाजार तो भाई सोच के बैठा था कि कब ये डिसीजन आएगा, और जैसे ही ये बात उनके मुंह से निकली सारे लोग खुश हो गए, और वहीं से ग्लोबल मार्केट में मतलब एक उत्साह हो गया, भारी हरे कलर में क्लोज हुआ डाउ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500, कोई भी यूएस इंडेक्स देख लें। उसके अलावा अगर आप डॉलर इंडेक्स, जिसके हम लोग चर्चा कर रहे थे, डॉलर इंडेक्स में भी कल गिरावट हुई थी, 103.7 पे था, अब 103.2 पे आ चुका है, और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी बड़ी गिरावट हुई है, और वो 4.2 की तरफ आ चुकी है। इसीलिए आपके स्टॉक मार्केट को काफी ज्यादा आज सपोर्ट मिला पॉवेल साहब की तरफ से। लेकिन उनके अच्छे बयान सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं, उन्होंने एक और बात कहा। उन्होंने बोला जो हम अपनी बैलेंस शीट को कम कर रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है? अभी वो क्या कर रहे हैं कि अभी यूएस में वो बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे हैं, उनके पास जो भी बॉन्ड्स है ना, वो बॉन्ड वो बेसिकली मार्केट में बेच रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट को कम कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे कि लिक्विडिटी डालेंगे सिस्टम में। अब उनकी लिक्विडिटी डालने का क्या मतलब है कि यूएस के सिस्टम में, यूएस की इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा जाएगा। अब जब भी इकोनॉमी में पैसा जाता है, सबसे पहले पैसा कहाँ पे आता है? स्टॉक मार्केट में, आप जानते हो। तो स्टॉक मार्केट में पैसा आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से यूएस का स्टॉक मार्केट मजबूत रहेगा, और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑब्वियसली हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ये दो बहुत ही बड़े कारण हैं, जिनमें से दोनों ही कारण आप यूएस से निकाल के ला रहे हो, जिस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट दिखी है। और उसमें एक और कारण था कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और कहीं ना कहीं इस अच्छी खबर के बाद कौन ट्रैप हो गए थे? सेलर्स, सेलर्स ट्रैप हो गए थे, और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, बट हल्की फुल्की सी, बट ये तो हो गई कल की बात। बट अब इस चीज को आगे जाके कैसे प्ले करना है, यहां पे अगर आप निफ्टी में देखोगे तो एक डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डोजी आपके एवरेज वॉल्यूम पे फॉर्म हो रही है, बट मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ओवरऑल जो चैनल है, जो बेसिकली मैं चर्चा कर रहा था कि 22,300 22,500 का जो गैप है, उसके बाद से जो बाजार एक तरफा भागा है, अगर आप उनके बॉटम्स को कनेक्ट करोगे तो एक पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन होता है। वो पैरेलल चैनल पे कल आपकी निफ्टी बेसिकली आ गई थी 21,700 पे, पर वहां से एक रिकवर हुई और चैनल के अंदर ही क्लोज हुई थी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जब तक आपकी प्रॉपर क्लोजिंग चैनल के बॉटम पे ना हो जाए, आप ये मत मानना कि कोई ब्रेकडाउन आ चुकी है। आज आपके गैप अप के साथ ओपनिंग हुई और गैप सस्टेन हुआ, बट अगेन मैं आपको कहूंगा कि यार ये मच स्ट्रॉन्गर होते, मच बेटर बुलिश फॉर्मेशन अगर आपको देता, अगर ये 22,050 के ऊपर क्लोजिंग दे पाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका बड़ा कारण क्या था? उसका बड़ा कारण यह था कि बहुत ज्यादा शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट थे 22,000 पे, यानी शॉर्ट सेलर ने किसी तरह से अपनी पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश की है यहां पर। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है ओवरऑल, अभी तक व्यू थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है फेडरल चेयर के बयानों के बाद। क्या आप निफ्टी के ऑप्शन चेन में आना चाहेंगे? और मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, नहीं क्यों नहीं आना चाहूंगा, एक्सपायरी हो चुकी है, डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी में देखोगे तो अभी भी डेटा इतने ज्यादा नहीं है, 30-35-40 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हैं। बट हाँ, अगर आप 22,000 पे देखोगे तो 72 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही आ चुके हैं, तो 22,000 आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट जैसे काम करेगी। अब 22,000 काफी अच्छी सपोर्ट बन चुकी है, आप ऑप्शन चेन में चर्चा करोगे। पुट कॉल रेशियो बात करोगे तो 1 के आसपास है, ऑब्वियसली एक्सपायरी हो चुकी है। बेस्ट पार्ट आज पूरी ट्रेड का, जो सबसे मजबूत पार्ट है, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा बुलिश साइड पर, वो है एडवांस डिक्लाइन, यानी ब्रॉडर मार्केट को देखो। सारी समस्याएं कहां से शुरू हुई थी? मिड कैप स्मॉल कैप से, सरकारी कंपनियों से। सबसे ज्यादा आज रिकवरी किस में आई? मिड कैप 2.5% बढ़ के आए, स्मॉल कैप 2.5% बढ़ के आए। अगर आप निफ्टी 500 को देखोगे ना, जिसमें कि मिड कैप स्मॉल कैप सारी कंपनियां हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक शेयर जो ऊपर जा रहा था उसके सामने छह शेयर सॉरी एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने छह शेयर बढ़ रहे थे। इतना मजबूत एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत दिनों के बाद आया है। उसके अलावा निफ्टी 50, जिसमें 50 कंपनी है, 50 में से 43 कंपनी ऊपर जा रही थी और सिर्फ 7 कंपनियां नीचे गिर रही थी।
और वॉलिटिलिटी इंडेक्स 12.5 पे आ चुका है, काफी नीचे आ चुका है। हम वैसे नॉर्मल चर्चा करते ही हैं कि विक्स आपकी डाउन जाती है एक्सपायरी के दिन, लेकिन अच्छी खासी डाउन आई है। ये सारे डेटा पॉइंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा मूव हो सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी काफी मजबूत था, अच्छी रिकवरी दिया। कल हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पे था, अच्छी डिमांड जोन थी, कौन से लेवल पे, 45,900 से लेके 45,700 का एक मजबूत डिमांड जोन का लेवल था। आज आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट आई, उसके ऊपर तक गया, बट कहीं ना कहीं 47,000 के आसपास एक बड़ी रेजिस्टेंस थी। वहां पे भी आप देख रहे हो 47,000 पे बार बार रुक रहा है, आज भी रुका और क्लोजिंग 46,600 के आसपास हुई है। तो हमें देखना है, बैंक निफ्टी तो खराब कहीं से नहीं है, बट नई मजबूती का प्रमाण आपको बैंक निफ्टी तब देगा जब ये 47,000 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग कर पाता है। बहुत बार रिजेक्शन आ चुकी है, आई थिंक अब इसको थोड़ी मजबूती मिलेगी और फेड का बड़ा योगदान इसमें रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ जाए तो अगेन मंथली एक्सपायरी है, बट डेटा इतने ज्यादा नहीं है। डेटा अगर आप बैंक निफ्टी की साइड देखोगे तो एक ही चीज कह रहे हैं कि 47,000 पे रेजिस्टेंस बना रहेगा, वहां पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट एड हुआ है, तो 47,000 निकालना इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकली भी है और ऑप्शन चेन पे भी है। ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो देखोगे 0.9 है, बिल्कुल न्यूट्रल है, देखने की जरूरत नहीं है। 12 में से 10 शेयर आज ऊपर थे बैंक निफ्टी में और 2 ही शेयर गिरे हुए थे, और सरकारी बैंक जो कि समस्या का एक कारण थे, सरकारी बैंक भी मिड कैप स्मॉल कैप के साथ 2% ऊपर भागे हैं। आज अगर आप सेक्टर्स को देखोगे, सारे सेक्टर भागे थे, स्पेशली कौन से, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर रहते हैं, ऑटो, मेटल्स, रियलिटी, फेड के बयान के बाद ये सेक्टर मजबूत रह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सेक्टर था आईटी जो इतना मजबूत नहीं है, बट अभी मजबूत नहीं था, आज आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट मेरा मानना है कि यार आईटी सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी फेडरल चेयर के इस बयान से, तो आईटी सेक्टर पे भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। उनके स्टॉक्स में गिरावट हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो भी अपने सपोर्ट लेवल के पास आ रहे होंगे, अपने रेडार या वॉचलिस्ट पे जरूर रख सकते हैं। मैं अब आपसे के साथ लेवल्स का डिस्कशन कर लूं। निफ्टी के केस में सबसे पहले नीचे सपोर्ट 22,000 से लेके 21,930, ये पूरी 70 पॉइंट की सपोर्ट है। अच्छा, 22,000 मैं कहता हूं कि यार 22,000 भी एक अच्छी सपोर्ट अभी उभर के आ रही है, हल्का सा नीचे जाएगा लेकिन बार बार आपको वहां से सपोर्ट मिलेगा और निफ्टी कोशिश करेगा 22,000 को डिफेंड करने की। अगर ऐसा करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करता तो 21,850 21,800 पे एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में 21,700 लेनी पड़ेगी, बट वो बहुत नीचे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा सवाल है ऊपर की साइड, अगर आप 22,000 को डिफेंड करता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कहां तक जा सकता है। पहली रेजिस्टेंस 22,080 से लेके 22,120 है, इंग्लिश में बोलूं तो 22,080 से 22,120, उसके ऊपर निकल जाता है तो एक बड़ी रेजिस्टेंस 22,200 से 22,250 की रेंज पे आती है। इन लेवल्स को कृपया करके नोट कर लें। अगर यही चर्चा हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स की करें, नीचे बैंक निफ्टी में सबसे मजबूत सपोर्ट का है, अभी भी काफी नीचे आती है, 45,900 से 45,700, जिसकी चर्चा बार बार कर रहे थे और अभी भी करेंगे। लेकिन ऊपर के साइड बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, पहली रेजिस्टेंस 47,000 से 47,200 की रेंज पे, अगर क्लोजिंग 47,000 के ऊपर बन जाती है तो मजबूत आपको रहेगा और फिर बैंक निफ्टी में मजबूती थोड़ी और बढ़ सकती है। ओवरऑल आप मेरा कंक्लूजन देखोगे तो फेड चेयर के स्ट्रॉन्ग बयान के बाद कहीं ना कहीं बाजार को एक सपोर्ट मिलेगा। क्रिटिकल लेवल पे था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, और नीचे से फेडरल चेयर के बयान के बाद इन दोनों को ही सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बेस्ट पार्ट क्या है, मिड कैप स्मॉल कैप पे भी एक अच्छी रिकवरी आई और एक अच्छा एडवांस डिक्लाइन था। अभी भी आपके जो FII है, जो संस्था है ना, FII इंक्लूडेड, वो काफी ज्यादा शॉर्ट पे बैठे हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यार फेडरल रिजर्व के ये बयान के बाद क्या इनकी शॉर्ट पोजीशन कम होती है। अगर ऐसा है तो निफ्टी में आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इंस्टीट्यूशंस का डेटा देखें, अगर ये कम होके आता है, आप मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हो, शार्प मूवमेंट आपको आ सकते हैं सपोर्ट के साइड। इजी वे ट्रेड करने का क्या होगा, अगेन बुल कॉल स्प्रेड्स टाइप से आप यूज कर सकते हो और शार्प मूवमेंट को कैप्चर करने की
कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके कमेंट सेक्शन मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। तो अगर आपका कोई भी सुझाव है और आप लोग कई बार बातें भी बताते हो उस पर, स्ट्रैटेजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो, मैं इन सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन का पूरा उपयोग करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर। थैंक यू सो मच।